सुबह में थाना हाथरस गेट की पुलिस को साकेत कॉलोनी जो इंडस्ट्रियल एरिया के बराबर में है वहाँ पर एक हत्या की सूचना मिली थी। उस हत्या पे हम लोग मौके पे पहुँचे थे, तब से उसकी तफ्तीश की जा रही थी। कल शाम 4 बजे इस घटना में शामिल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। घटना में 2 अभियुक्त और हैं जिनकी अभी तलाश की जा रही है। प्रकरण इस प्रकार सामने में आया कि ये इस अभियुक्त में एक जो मृतक था उसकी एक अभियुक्त से दुश्मनी थी और उसी ने इस घटना को इंस्टिगेट कराया था। वहाँ पर मिनरल वाटर के प्लांट में जहाँ यह लोमहर्षक घटना हुई है वहाँ पे 70-80 हज़ार रुपये के वहाँ पर इनके मिलने की संभावना थी इस इंटेंशन से, और व्यक्तिगत दुश्मनी से इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके 4 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अभियुक्त अभी एट लार्ज हैं जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दुश्मनी क्या थी और किस वेपन से? दुश्मनी इनकी आपस में कहा सुनी हुई थी, मारपीट हुई थी घटना के कुछ दिनों के पहले। बेसिक दुश्मनी ये थी। और यहाँ पर जो मिनरल वाटर का प्लांट है वहाँ पर पैसे मिलने की इनको संभावना थी, तो दोनों पर्पस था इनका, पैसा भी वहाँ से लूटने का और व्यक्तिगत दुश्मनी से हत्या करने का। वेपन क्या था सर? वेपन चाकू से हत्या की गई है और शार्प वेपन था। वेपन मौके आला कतल अभियुक्त के पजेशन से बरामद कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई वेपन के संदर्भ में की जाएगी। अभी पहचान कैसे हुई सीसीटीवी कैमरे से? देखिए सीसीटीवी वहां पे इंस्टॉल्ड था, उससे हमें पहचानने में मदद मिली है। हमने उस सीसीटीवी के फुटेज को मिनरल वाटर के प्लांट के मालिक से उनके अन्य एम्प्लॉई से दिखाया, जिसमें एक अभियुक्त की पहचान हुई है, जिसके आधार पर बाकी